चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनसुनी गाथा के बारे में जो 1857 के पहले हुई थी, एक ऐसा विद्रोह जिसका नाम पाइक विद्रोह था। देखिए पाइक विद्रोह एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था, लेकिन समय के साथ इतिहास के पन्नों में ये दब गया। एक ऐसा विद्रोह जिसने कुछ समय के लिए उड़ीसा के क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। यह विद्रोह तो हुआ था 1817 को, लेकिन इस विद्रोह ने बहुत बड़ी दमनकारी नीतियों को तोड़ के रख दिया था, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, और इसने बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐसी सेना को खड़ा कर दी थी जिसका नाम था पाइक। और ये पाइक समुदाय जो था ये बहुत ही ताकतवर समुदाय माना जाता था। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली में ये पाइक था क्या। देखिए उड़ीसा के खुर्दा, पीपली, बानपुर और पुरी जैसे क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग रहते थे, कुछ ऐसा वर्ग रहता था जो अपने राजा के अधीन था और राजा के कहे गए बातों का वो पालन करते थे। राजा के लिए वो वफादार थे और वफादार होने के साथ साथ वे किसान थे, वे किसान के भी काम करते थे और एक तरफ वो युद्ध भी करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वे लोग जो थे वो किसान का जब काम होता था, जब खेती बाड़ी का समय आता था तो वो कृषि करते थे, और जब कभी युद्ध का कोई भी मान लीजिए कि ऐसा संकट आया जहाँ पर राज्य को युद्ध करना पड़े तो वहाँ पर वे राजा की सहायता करते थे, और इसी के एवज में राजा उन्हें टैक्स फ्री जमीन देते थे जहाँ पर ये लोग जो थे वो कृषि करते थे। और ये लोगों का नाम क्या था? पाइक वर्ग। देखिए पाइक वर्ग एक बहुत ही साहसी, बोल सकते हैं कि योद्धा थे। ये तलवार और भालों का प्रयोग करके युद्ध करते थे। अब देखिए इनका विद्रोह करने का कारण क्या हुआ? जब यहाँ पर सब कुछ सुखी समृद्ध था तो क्या कारण था कि इन्हें विद्रोह करना पड़ा? देखिए इस विद्रोह का जो मुख्य नायक था उसका नाम जगबंधु विद्याधर था, और इन्होंने जगबंधु विद्याधर ने जिनका जो मनोबल था वो हमेशा से स्वतंत्रता का रहा, इन्होंने हमेशा से अपने राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, और इस विद्रोह का जनक भी इन्हें ही माना जाता है। ये कोई राजा नहीं थे लेकिन ये एक सेनापति थे, और इन्होंने अर्थात जगबंधु विद्याधर जो थे इन्होंने अपने दमखम के साथ पाइक लोगों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छिड़ा था। देखिए शुरुआत इसका कुछ ऐसा होता है कि जब उड़ीसा के क्षेत्रों में गजपति वंश का शासन था, और उड़ीसा के उन जगहों पर जहाँ पर गजपति वंश शासन करती थी जिसमें खुद्रा था, पिपली था, बानपुर था, पुरी था, तो इन क्षेत्रों में गजपति वंश 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में गजपति वंश जो था वो उड़ीसा के खुर्दा, पीपली, बानपुर और पुरी के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। चूँकि एक समय गजपति वंश बहुत ताकतवर था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अयोग्य शासक आए, और इन अयोग्य शासक के कारण यहाँ पर मुरी वंश का शासन हुआ। इन अयोग्य शासन के जो शासक थे उनके जो सेनापति थे वो मुरी वंश के लोग थे, जिन्होंने समय का फायदा उठाते हुए गजपति वंश के राजाओं को हटाया और वहाँ के वे शासक बन गए। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुरी वंश यहाँ बहुत जोर शोर से शासन करता है, लेकिन यह शासन तंत्र जो था वो कुछ ही दिनों तक चलता है, और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की एंट्री होती है। मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी में अपना जो प्रकाष्ठ था, अपना जो एरिया था वो बढ़ाने का प्रयास करता है इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी अर्थात यहाँ जंगल है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बोल सकते हैं कि पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य उतने अच्छा से फल फूल नहीं पाया। अंततः मुगल साम्राज्य ने यह तय किया कि वो इन क्षेत्रों को वापस त्याग देगा, और इसी के तहत मुगल साम्राज्य ने 1751 में इस क्षेत्र को छोड़ा, और यहाँ पर फिर युद्ध करने के बाद मराठा साम्राज्य कायम होता है। मराठा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित होता है जो एक हिंदुत्व या बोल सकते हैं हिंदू साम्राज्य था, और इस हिंदू साम्राज्य में पहली बार मराठा साम्राज्य जो था वो अपने हर कार्य को कर रहा था। 1751 में जिस तरह से मराठा साम्राज्य की एंट्री होती है इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि उस क्षेत्रों को जहाँ पर खुर्दा, पीपली, बानपुर और पुरी का क्षेत्र था उसमें बहुत ताकत झोंक दिया था अपना, और यहाँ पर ये पूर्ण रूप से तैयार हो गए थे अपने शासन को चलाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे यह क्षेत्र जो था वो बदलने लगा, इन क्षेत्रों में अब हिंदू राजाओं के बीच संघर्ष होने लगा, और इसी का फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे, और अंग्रेज ने 1803 में यहाँ प्रवेश किया। उन्होंने सीधा
उड़ीसा के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास नहीं किया। पहले उन्होंने मुकुंददेव द्वितीय के साथ, जो उस समय खुर्दा के राजा थे, उनसे संपर्क किया और उनसे सहायता की मांग की। उन्होंने इस सहायता के साथ मुकुंददेव द्वितीय को कुछ ऐसे चीज़ों का प्रलोभन दिया जिससे वे मराठा के विरुद्ध लड़ सकें। बात को यहाँ समझने की बात है कि मुकुंददेव को अंग्रेज अपने साथ मिला रहे थे और मुकुंददेव द्वितीय, जो उस समय खुर्दा का राजा था, उसको अंग्रेज अपने साथ मिला रहे थे। और मिलाने के बाद वो ये कहना चाहते थे कि तुम हमारे साथ आ जाओ और हमारे साथ मिलकर मराठा को हराओ। और ये बात कौन कह रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हमारे साथ आकर के तुम क्या करो, मराठों को हराओ, इसके बदले में हम तुम्हें 1,00,000 रुपए और 20 किलो सोना तथा बहुत बड़ा एक संपत्ति देने वाला था। और ये संपत्ति था जगन्नाथ मंदिर। आपको पता होगा कि जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा, बोल सकते हैं कि पूजनीय चीज़ है। एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आज भी हिंदू वर्ग के लोग वहाँ जाके पूजा करते हैं। उस समय इस क्षेत्र को, अर्थात पुरी के क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर आता है, तो जगन्नाथ मंदिर को उस समय जो राजा अपने अधीन रखता था, या जगन्नाथ मंदिर जिस राजा के अधीन रहता था, जिस राजा के क्षेत्र के अधीन रहता था, उस राजा का सम्मान पूरा भारत करता था, या वहाँ के अगल बगल के जो राजा थे वो उनका पूरा सम्मान करते थे और उन्हें कई प्रकार की छूट दी जाती थी। इसी चीज़ को मुकुंददेव द्वितीय ने अपने हिसाब से समझा और उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना मैं मराठाओं को अंग्रेजों के साथ मिलकर हरा देता हूँ और अंग्रेज मुझे ये सभी चीज़ दे देंगे। इसी को देखते हुए मुकुंददेव द्वितीय ने अपने दीवान, जिसका नाम जयगुरु था, या जय राजगुरु से आप कह सकते हैं, और अपने जो सेनाध्यक्ष जिनका नाम बख्शी था, उनसे आग्रह किया कि क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं, क्या हम अंग्रेज़ों का साथ दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों उपमंत्रियों ने मुकुंददेव को ऐसा करने से मना किया। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसा कुछ भी ना करें, ये मराठाओं को उकसाने का काम होगा। लेकिन मुकुंददेव द्वितीय जो थे इस प्रलोभन में फंस जाते हैं और अंग्रेजों के इस बिछाए गए जाल में वो पूरी तरह से फंस करके विद्रोह कर देते हैं। और ये विद्रोह जो था वो किसके विरुद्ध था? वो मराठाओं के विरुद्ध था। जब मराठा इस युद्ध में हारते हैं, अर्थात 1804 में मराठा यहाँ से हार जाते हैं और यहाँ पर जो शासन तंत्र था अब अंग्रेजों के अधीन चल जाता है। तो जब अंग्रेजों के अधीन ये शासन जाता है तो मुकुंददेव द्वितीय जो था अपने मांगों को लेकर के अंग्रेजों के पास पहुंचता है। और आपको पता ही होगा कि अंग्रेज अब क्या करेंगे। अंग्रेज मुकुंददेव द्वितीय को बस इतना कहते हैं कि मैं तुम्हें मात्र 20,000 रुपए दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। मेरी जो जितनी भी तरह की संपत्ति थी वो युद्ध में खर्च हो चुकी है और अभी हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इस चीज को मुकुंददेव सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। जब इस बात का पता जय राजगुरु को पता चलता है, जो उनके दीवान थे, वे तुरंत ही इसका विद्रोह कर देते हैं। और इसका विद्रोह करने के बाद वे भारी मात्रा में अंग्रेजी सरकार के जितने भी शासन क्षेत्र थे उन्हें तबाह करना शुरू करते हैं। और यहीं से शुरुआत हो जाता है पाइक विद्रोह का। कि 22 नवंबर 1804 को यह युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध की पहली झलक हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह से कि बहुत भारी मात्रा में अंग्रेजों को मारा जाता है। चूँकि उस समय उड़ीसा में अंग्रेज के मुश्किल से 50,000 ही सैनिक थे, तो इसका पूरा फायदा जो था वो जगबंधु और उनके जितने भी सैनिक थे तथा राजा जो थे वो उठा रहे थे। उन्होंने बढ़ चढ़ करके इन ब्रिटिश, या बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को मारा और मारने के बाद वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से लगभग 3,00,000 सेना को मंगाया और वापस फिर से धावा बोल दिया और जय राजगुरु को 6 दिसंबर 1806 में फांसी की सज़ा सुना दी। साथ ही साथ वहीं पर जो राजा थे, अर्थात मुकुंददेव द्वितीय जो थे, उन्हें मेदिनीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया। इस तरह से एक विद्रोह का कुछ समय के लिए बोल सकते हैं कि अंत हो गया, या विद्रोह कुछ समय के लिए स्थिर हो गया। लेकिन अभी भी यह विद्रोह रुका नहीं था। जब अंग्रेजों ने राजा को नज़रबंद किया तो पूरी आशा जो जनता की थी, जो खुर्दा क्षेत्र के जनता थी, जो वहाँ के जो लोग थे, उनका पूरा आशा, उस प्रजा की पूरी आशा जो थी वो मटिया मेट हो गया। क्योंकि अब उनके राजा जो थे वो जेल के अंदर तो नहीं थे लेकिन नज़रबंद थे। उनकी सारी ताकतें छीनी जा चुकी थी और पूरा शासन तंत्र जो था वो अंग्रेजों के हाथ में था। अब वो अंग्रेज के कठपुतली बन चुके थे। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने अपने नए कानून और नए नियम लगाना शुरू किए
और इस नए नियम में बहुत कुछ बदलाव किया गया। पहला बदलाव जो था वो किसानों के लिए था, जहां वैसे किसान जो पाइक वर्ग में आते थे उनसे भी अब टैक्स लिया जाने लगा, क्योंकि पहले राजा तो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब अंग्रेज जो थे वो भारी टैक्स और बहुत भारी मात्रा में बोल सकते हैं ऐसे चीज़ों का दोहन करने लगे जिनसे वहाँ के किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी होने लगी। किसानों की बढ़ती हुई टैक्स को देखते हुए कई बार किसान और यहाँ के जो पुलिस व्यवस्था थी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कई बड़े बड़े युद्ध हो जाते थे, बहुत खून खराबा हो जाता था। इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने निर्मम कार्य को कर रहे थे। देखिए, आपको एक वीडियो में मैंने बताया था सूर्यास्त नियम, यदि आपको याद नहीं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक ऐसा नियम होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपना लगान सूर्य अस्त होने से पहले नहीं पहुँचाता है, मतलब सूरज के डूबने के बाद अगर कोई अपना लगान पहुँचाता है तो उसके लगान को नहीं लिया जाता था और उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाती थी। और इसी तरह होना शुरू हुआ फिर से उड़ीसा के क्षेत्र में। अब अंग्रेज जो थे यहाँ पर मनमाने ढंग से टैक्स बढ़ा रहे थे, और वे ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा प्रताड़ना जो था वो पाइक वर्ग के लोगों पर करते थे, उनकी सेनाओं पर करते थे जो कभी राजा के सुरक्षा का काम करते थे, और उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल करने लगे भारी मात्रा में। जब किसान वर्ग जो था और जो पाइक वर्ग के लोग थे जब टैक्स चुकाने लगे और उनके पास पैसे नहीं बचे, तो उन्होंने अब अपने ज़मीनों को गिरवी रखना शुरू कर दिया। अब जमींदारों का जो थैला था वो भरना शुरू हुआ, और जमींदारों और साहूकारों ने भारी मात्रा में इन्हें कर्ज दिया, और इस कर्ज के बदले उन्होंने गरीब किसान वर्ग और पाइक वर्ग के ज़मीनों को हथिया लिया। उस समय के जो राज को संभालने वाले अधिकारी थे, जिनका नाम एजी टॉयबी था, उन्होंने अपनी किताब ए स्केच ऑफ हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा में लिखा है कि जो भी घटनाएं उस समय हो रही थी वो काफ़ी निर्मम थी, काफ़ी निर्दय तरीके से वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था और उनसे बहुत भारी मात्रा में टैक्स लिया जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रोश फैल रहा था। यह आक्रोश और तब बढ़ा जब वहाँ के लोगों को अर्थात उड़ीसा क्षेत्र के लोगों को नमक बनाने के लिए मना कर दिया गया, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया कि वो समुद्र के पानी से नमक नहीं तैयार कर सकते हैं। उन्हें यदि नमक लेना है तो वे नमक को खरीदेंगे जो ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती है। इस चीज़ से वहाँ के लोगों और किसानों में आक्रोश बढ़ गया था। देखिए, यदि आप मान लीजिए कि आपके घर के बगल में समुद्र है और आप वहाँ नमक बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, तो आपको नमक खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ब्रिटिश कंपनी, या बोल सकते हैं जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी था, इस नियम को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने सख्त मना कर दिया था, एक हिदायत तक दे दिया था कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और वहाँ के क्षेत्र लोगों के, वहाँ के लोकल लोगों को नमक बनाने के लिए पूरी तरह रोका गया, और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बेचे गए नमक को खरीदना पड़ रहा था। और इससे और अधिक जो था वो उनके अंदर आक्रोश उबाल मार रहा था, उनका खून गर्म हो चुका था और वो युद्ध के लिए, विद्रोह के लिए तड़प रहे थे। लेकिन ज़रूरत थी तो एक ऐसे व्यक्ति की जो उनके इस धधकते हुए आग को और अधिक ऊर्जा दे। हद तब हो गई जब यहाँ पर एक नया मोड़ आता है। ये नया मोड़ था उसके कुछ वर्षों बाद, जब बख्शी जगबंधु जो थे उनकी ज़मीनों का जो पूरा मसौदा था, या बोल सकते उनकी ज़मीनों को अंग्रेज द्वारा हड़प लिया जाता है, और उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने समय पर अपने लगान को नहीं भरा है या अपने टैक्स को नहीं भरा है, जिसके कारण उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया जाता है। देखिए, उस समय कुछ ऐसा प्रक्रिया था, क्योंकि जब बख्शी जगबंधु वहाँ थे तो अंग्रेज़ों के जो नियम कानून थे वे भारतीय, या बोल सकते हैं उड़ीसा के लोगों को उतने अच्छा से नहीं पता था, इसलिए वो समय पर किसी भी टैक्स को नहीं दे पाते थे, और इसी का फ़ायदा अंग्रेज जो थे वो उठाते थे। और इसी से वे क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े जो ज़मीन होते थे उन्हें हथिया लेते थे, या फिर बोल सकते हैं कि उन्हें जमींदार के नाम नीलाम कर देते थे। और ऐसा ही बोल सकते हैं एक घटना होता है जिसमें जो जगबंधु थे, या बख्शी जगबंधु जो थे, जो एक समय राजा के बोल सकते हैं सेनापति थे और चीफ ऑफ आर्मी थे, तो उनके ज़मीनों को हड़प करके यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो जमींदारों को बेच देते हैं, जिससे बख्शी के मन में विद्रोह की भावना उपज जाती है, और इसके विरुद्ध अब वो तलवार उठा लेते हैं। वे अब पूरी तरह से अंग्रेज का विरोध करते हैं और अंग्रेज से युद्ध करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं।
कि 1812 से 15 के बीच में अब यहाँ पर जगबंधु बख्शी जो थे वो पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो गए थे और उनके पास कई राजाओं का समर्थन था। जैसे खुंदस वंश जो था वो इनके समर्थन में आ चुके थे, जो घुमसर क्षेत्र से आते थे, और इन्होंने खुला बोल सकते हैं खुले रूप से इनका समर्थन किया। और कई छोटे राजा थे जिन्होंने अपने सैनिक टुकड़ी जो थी वो इन्हें सौंप दी थी। अब ये सभी सेना मिल करके पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लेने के लिए खड़ी हो गई थी और ये युद्ध शुरू हो जाता है। 1817 तक ये युद्ध बहुत ही घमासान रूप से चलता है, जहाँ पर अंग्रेजों की हार होती है और ब्रिटिश जो थी कुछ समय के लिए पूरी और उनके कई क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं। चूँकि उस समय इन राजाओं के पास अत्याधुनिक जो हथियार थे उसकी कमी थी और वो ना के बराबर थे। उनके पास ना तो रिवॉल्वर था और ना ही किसी तरह का ऐसा हथियार था जिससे वे ऑटोमेटिक रूप से या जिससे वे इनका सामना कर सकते थे। इसीलिए इन लोगों का जो क्षेत्र था वो वापस छीन लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, जिसके बाद यह विद्रोह जो था वो पूरी तरह डूबने लगता है, यह विद्रोह का अंत होने लगता है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि जिन राजाओं ने इस युद्ध में कभी जीता था उन्हें अपने लोगों को मरते हुए देखना पड़ता है। अंततः जितने भी थे जो राजा इस युद्ध में भाग लिए थे, जिसमें बख्शी जगबंधु मुख्य थे, वो अब अपने क्षेत्र को छोड़कर के जंगलों में जाके छुपने लगते हैं। इनके साथ साथ इनके कई सहपाठी जो थे वो भी जंगलों में रहना लगते हैं और वहाँ से ये छोटे मोटे युद्ध करते हैं। अब कोई युद्ध आमने सामने का नहीं रह गया था, जो भी युद्ध होता था वो गोरिल्ला युद्ध के जैसा होता था। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है ये भी जान लीजिए। देखिए, गोरिल्ला युद्ध एक ऐसी युद्ध पद्धति है जिसमें जो व्यक्ति होता है, या मान लीजिए कि कोई सेना छुपी हुई होती है और वे दूसरी सेना पर अचानक हमला कर देती है, कब? जब वो घने जंगल में जाते हैं तब। तो इसी तरह जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक कभी भी जंगलों की ओर से गुजरते थे तो यहाँ पर जितने भी वो सकते हैं राजा के सैनिक होते थे वो गोरिल्ला रूप से या गोरिल्ला युद्ध करके उन्हें मार देते थे और उन क्षेत्रों को या उनके सामानों को लूट लेते थे। लेकिन यह छोटे मोटे युद्ध से कुछ होने वाला नहीं था। अंततः यह युद्ध धीरे धीरे स्थिर होने लगा और स्थिर होते होते 1825 तक यह युद्ध जो था पूरी तरह समाप्त होने लगा और अंत में जाकर बख्शी जगबंधु ने अपने आप को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया और उन्होंने इस युद्ध को शांत करने का प्रतिवेदन को स्वीकार लिया। अंग्रेजों ने उन्हें नज़रबंद किया और नज़रबंद करने के बाद उन्हें एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां से वो कभी भी दोबारा इस विद्रोह को नहीं कर पाते। 1825 में इन्हें कटक भेज दिया जाता है, जहाँ पर कुछ दिनों में इनकी मृत्यु हो जाती है और हम कह सकते हैं कि इस तरह से पाइक विद्रोह का अंत हो जाता है। देखिए, पाइक विद्रोह तो एक बोल सकते हैं कि कुछ समय तक तो चला, लेकिन इस विद्रोह ने बहुत बड़ी एक जन सैलाब को तैयार कर दिया था। यह विद्रोह तो भारत को आज़ाद करने के लिए नहीं था, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि यह विद्रोह जो था वो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए काफ़ी था। और आप कई ऐसे क्षेत्रों में देख सकते हैं कि यह विद्रोह ने अपने ज़मीन के लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी। और इसी तरह से भारत में एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसने अंग्रेजों को पहली बार मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके बाद हम सैनिक विद्रोह को देखते हैं जो 1857 में लड़ी गई, और ऐसे कई विद्रोह हुए जो कभी इतिहास के पन्ने में दबे रह गए और आज भी हम उन्हें नहीं जानते हैं। लेकिन इस विद्रोह का जो बखान किया गया है ये अनंत है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो आशा करते हैं कि पाइक विद्रोह की इस पूरी गाथा को आप अच्छे समझ गए होंगे और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस विद्रोह के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।